एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि डोंगजू अब हॉस्टल में रह रही थी अपने एक अलग कमरे में। वहीं दूसरी तरफ ताई उस बच्चे के बारे में सोच रहा होता है जो उसके सपने में आया था और उसका नाम जुनो था। फिर यहाँ पर हमें दिखता है कि ताई पहले हॉस्पिटल में काम करता था और जिस टाइम जुनो का एक्सीडेंट हुआ था उस समय ताई ने जुनो की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जुनो फिर से जिंदा नहीं हो पाया। फिर ताई बहुत रोने लगा और ताई ने हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी। फिर यहाँ पर हमें पास का सीन दिखता है कि डोंगजू ने जब अपनी जॉब ज्वाइन की थी उस समय डोंगजू के हेड ने उस छोटे बच्चे के बारे में डोंगजू को बताया था, यानी कि जुनो के बारे में, क्योंकि उस बच्चे का घर डोंगजू के हेड के जस्ट पास में ही था। इसके बाद जुनो की डेड बॉडी को डोंगजू ने जब पहली बार छुआ था तभी आसपास बदलाव होने लग गए थे। डोंगजू ये उस समय पहली बार देख रही थी और डोंगजू ये देखकर बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्योंकि वहाँ सब कुछ बदल गया था। और फिर जुनो भी खड़ा उठ गया था। उसने जब डोंगजू को छुआ तब डोंगजू डर कर जमीन पर गिर गई थी और वो जुनो को देखकर डर गई थी। जुनो भी आसपास देखकर हैरान था और वो अपने बारे में डोंगजू से पूछने लगता है कि वो कहाँ है। फिर जुनो को याद आता है अपनी रिंग के बारे में, क्योंकि वो उस रिंग को भूल चुका था और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि जुनो बाहर जाना चाहता था। फिर जुनो जाकर डोंगजू से दरवाजे को खोलने के लिए कहता है और वो ये भी बताता है कि वो अपनी रिंग मोंगसो मार्केट में भूल चुका है। फिर वो जैसे ही डोंगजू को छूता है तभी डोंगजू उसे धक्का दे देती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। इसके बाद डोंगजू को बहुत आवाज़ सुनाई दे रही थी उस बच्चे की। फिर डोंगजू को याद आया था कि उस बच्चे ने मोंगसो मार्केट में रिंग की बात की थी। फिर डोंगजू अपने मोबाइल पर चेक करने लगती है कि मोंगसो मार्केट कितनी दूर है। तब डोंगजू को पता चलता है कि मोंगसो मार्केट उसके घर से 1.2 किलोमीटर दूर है। इसके बाद डोंगजू दौड़ते हुए अपने घर से भाग गई थी मोंगसो मार्केट की तरफ। उसके पिता भी उसे पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि डोंगजू कहाँ जा रही है, वो भी इतनी रात को, लेकिन वो डोंगजू को पकड़ नहीं पाते। इसके बाद डोंगजू जब मोंगसो मार्केट गई थी तब वो वहाँ जाकर रिंग को ढूंढने लग गई थी, लेकिन उसे रिंग कहीं नज़र नहीं आई। फिर वो सोचने लग गई थी कि ये शायद भ्रम हो सकता है उसका। तभी उसे रास्ते में एक रिंग का बॉक्स नजर आता है। तब डोंगजू को यकीन हो गया था कि उसने जुनो की आत्मा को सच में देखा था। फिर डोंगजू ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें रिंग थी। डोंगजू ये देखकर रोने लग गई थी। इसके बाद डोंगजू उस पते पर गई जहाँ जुनो का घर था, क्योंकि उसके हेड ने जुनो के घर का पता बताया था। जुनो जब उसके घर में गई थी तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं है। तभी दूसरे घर से एक औरत आई और वो डोंगजू से पूछने लगी उसके बारे में कि वो कौन है। डोंगजू बताते हैं कि वो एक छोटे बच्चे को ढूंढ रही है जो इस घर में रहा करता था और वो 10 साल का था। वो औरत बताती है कि वो फैमिली इस घर को छोड़कर चली गई। डोंगजू ये सुनकर हैरान होती है। डोंगजू पूछने लगती है कि वो अब कहाँ गए, लेकिन उस औरत को पता नहीं होता। फिर डोंगजू उनका नंबर मांगती है। वो औरत उनको फ़ोन में लाती है लेकिन वो नंबर नहीं लगता क्योंकि वो सर्विस से बाहर था। वो औरत डोंगजू को बताती है कि उन्होंने अपना नंबर बदल दिया है और वो फिर अंदर चले आती है और वहीं प्रेजेंट में डोंगजू उस रिंग को देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ताई रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो डोंगजू के बारे में सोच रहा होता है कि डोंगजू ने जो भी कहा था वो सच था। और ताई को पछतावा होने लगता है कि उसे डोंगजू पर यकीन करना चाहिए था। तभी ताई अपने सामने से डोंगजू को जाते हुए देखता है। फिर ताई जाकर डोंगजू को पीछा करता है और उसे रोकता है। ताई डोंगजू से बहुत से सवाल करने लगता है। डोंगजू परेशान होकर टीम लीडर को बताने के लिए कहती है। फिर वो खुद बताने के लिए कहती है कि वो जाकर टीम लीडर को सारी सच्चाई बता देगी, क्योंकि डोंगजू तंग आ गई थी और वो ताई से ना परेशान करने के लिए कहती है। फिर अगली सुबह डोंगजू जब खड़ी उठती है तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने गलती से बहुत कुछ कह दिया था और डोंगजू को पछतावा होने लगता है। तब डोंगजू को याद आता है कि उसने कल रात बहुत पी ली थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर ये कह दिया था कि वो जॉब छोड़ देगी। डोंगजू परेशान होने लगती है। तभी डोंगजू छत के ऊपर से कुछ आवाज़ सुनती है, एक चूहे के चलने की, और डोंगजू चिल्लाकर बाहर भागती है। इसके बाद डोंगजू जब अपने हेड के साथ होती है फिर वो जैसे ही अपने हेड को वो बात बताने वाली थी कि वो जॉब छोड़ रही है तभी उसके हेड का एक फ़ोन आ जाता है। फिर वो डोंगजू को काम करने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि विंसेंट के घर को देखने के लिए कुछ किराएदार आ गए थे, लेकिन उन्हें वो जगह पसंद नहीं आती। फिर विंसेंट गुस्से से अपने भतीजे को देखने लगता है, यानी कि ताइमी को, और वो ताइमी पर अपना गुस्सा निकालने लगता है क्योंकि ताइमी की वजह से ही डोंगजू घर छोड़कर चली गई थी। बाहर जाकर ताइमी डोंगजू को फ़ोन करता है लेकिन डोंगजू फ़ोन नहीं उठाती। वहीं दूसरी तरफ डोंगजू वो अपने क्लाइंट के साथ होती है और वो उन्हें कुछ ताबूत दिखा रही होती है जो उनकी माँ के लिए थे। वहीं दूसरी तरफ ताइमी जब सड़क पर जा रहा होता है तभी वो डोंगजू के डैड को देखता है जो कुछ फूलों की फ़ोटो ले रहे थे। फिर ताइमी जाकर डोंगजू के डैड से मिलता है। डोंगजू के डैड ताइमी को बताते हैं कि वो अपनी बेटी को सुंदर सुंदर फ़ोटो भेज रहे हैं
जिससे उनकी बेटी का माइंड फ्रेश रहे। फिर वो वहाँ से चले आते हैं और ताइमी कल रात के बारे में सोचने लगता है, जब डोंगजू ने उससे कहा था कि वो जॉब छोड़ देगी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजू वो फनल में मौजूद सभी लोगों के लिए खाना सर्व कर रही होती है। वहाँ मौजूद क्लाइंट वोमेन वो डोंगजू की बहुत तारीफ करती है क्योंकि डोंगजू बहुत मेहनत से काम कर रही थी। फिर वो औरत डोंगजू को खाना देती है क्योंकि डोंगजू बहुत थक गई थी और उसने खाना नहीं खाया था। तभी वहाँ डोंगजू का हेडवे आता है और वो भी डोंगजू के साथ खाने लगता है एक ही टेबल पर। फिर रात को वो औरत डोंगजू को एक गिफ्ट देती है। डोंगजू उन्हें थैंक यू कहती है। इसके बाद डोंगजू जब बाहर जाती है तो वो ताइमी को देखती है कि ताइमी उसके हेड से बात कर रहा है। फिर डोंगजू दौड़ते हुए अपने टीम लीडर के पास जाती है और वो अपने हेड से बात करने के लिए कहती है, लेकिन ताइमी उनसे कहता है कि आप मुझसे बात कीजिए और दोनों उन्हें फोर्स करने लगते हैं। फिर मजबूरन डोंगजू को कंप्यूटर पर टाइप करने पड़ता है कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रही है। फिर डोंगजू वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर रख देती है और वहाँ से बाहर चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ताइमी डोंगजू के डायरेक्टर के साथ होता है। ताइमी उनसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन डोंगजू के हेड को समझ नहीं आ रहा होता है कि ताइमी आकर माफ़ी क्यों मांग रहा है, और उसे पुरानी बात का कुछ पता नहीं होता कि ऐसी क्या वजह रही कि ताइमी उससे माफ़ी मांग रहा है। और डोंगजू और ताइमी के बीच ऐसा क्या हुआ, वो ताइमी से कहता है अगर माफ़ी मांगनी है तो डोंगजू से मांगूंगा। फिर ताइमी उस हॉस्टल में जाता है जहाँ डोंगजू रहा करती थी और वो डोंगजू को फ़ोन करता है, लेकिन डोंगजू का फ़ोन बिजी आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ताइमी का दोस्त जो पुलिस ऑफिसर था वो डोंगजू से फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। उस वक्त डोंगजू एक गली से गुजर रही होती है, तभी डोंगजू का पीछा कोई आदमी करने लगता है और डोंगजू डर जाती है और वो हाइयान को अपना पता बता देती है कि वो अभी कहाँ पर है। तभी सामने ताइमी आ जाता है और वो आदमी दूसरी तरफ निकल जाता है। फिर ताइमी डोंगजू के साथ उस हॉस्टल के बाहर जाता है और वो डोंगजू से रूम खाली करने के लिए कहता है और सामान बाहर लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों रोड के किनारे बैठे हुए होते हैं। ताइमी डोंगजू से कहता है उनके बिल्डिंग वाले रूम में जाने के लिए, लेकिन डोंगजू इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो अब भी नाराज थी और वो वहाँ जाने से मना कर देती है। तभी डोंगजू देखती है कि उसका हेड का मैसेज आया है। उसके हेड ने लिखा होता है कि डोंगजू कल लेट मत करना। फिर डोंगजू ताइमी की तरफ देखने लगती है और वो ताइमी से पूछती है कि उसने उसके हेड से क्या कहा। ताइमी बताता है कि उसने बस इतना कहा कि वो कड़ी मेहनत कर रही है। तभी बस आती है, ताइमी और डोंगजू वो बस पर चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोंगजू का हेड वो डोंगजू का रेजिग्नेशन लेटर देखता है और उसे देख कर हंसने लगता है। फिर वो उसे फाड़ देता है। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है, लेकिन वो उस नंबर को नहीं उठाता। फिर वो हेड जब बाहर जाता है तभी वहाँ पर एक औरत आती है अपना बच्चा लेकर और उस आदमी से कुछ रुपए मांगती है उधार के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। यहाँ पर पता नहीं चलता कि उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। वहीं दूसरी तरफ ताइमी डोंगजू के साथ सामान लेकर अपने घर पर आता है। अब डोंगजू भी रहने के लिए तैयार हो गई थी। फिर डोंगजू जब रूम में होती है तब उसे ताई का मैसेज आता है। ताई ने मैसेज में लिखा होता है दरवाज़ा खोलो। डोंगजू दरवाजे को खोलकर देखती है कि दरवाजे पर खाने का सामान लटका हुआ है। फिर डोंगजू उसे अंदर लाती है और डोंगजू वो देखकर बहुत खुश होती है। वहीं अगले दिन डोंगजू कुछ फूलों का गुलदस्ता जब ले आ रही होती है तभी वो पीछे देखती है कि एक औरत एक भिखारी की आंखें देखने लगती है, क्योंकि उस भिखारी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर वो लेडी उस भिखारी को उठाने की कोशिश करती है और डोंगजू भी उसकी मदद करती है उस भिखारी को उठाने के लिए, लेकिन वो भिखारी चल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। फिर वो लेडी डोंगजू को 911 पर फ़ोन करने के लिए कहती है। डोंगजू फ़ोन कर लेती है एम्बुलेंस को। फिर एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है और उस भिखारी को अपनी वैन में बिठा देती है। फिर वो लेडी डोंगजू को थैंक यू कहती है और वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजू का हेड वो उस औरत के साथ होता है हॉस्पिटल में। वो औरत बहुत रो रही होती है। फिर एमसीओप उस औरत को अपना क्रेडिट कार्ड देता है ताकि वो अपने बच्चे का खर्चा अच्छे से चला सके। दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजू क्लाइंट की माँ की आत्मा को वो गुलदस्ता देती है और वो बूढ़ी औरत डोंगजू को थैंक यू कहती है। इसके बाद वो क्लाइंट वोमेन वो भी डोंगजू को थैंक यू कहती है। डोंगजू उस औरत को बचे हुए गुलदस्ते देती है। इसके बाद ताइमी उस हॉस्पिटल में आता है पिज्जा डिलीवर करने के लिए। वहीं डोंगजू जब जा ही रही होती है तभी क्लाइंट वोमेन का बच्चा उससे टकराया जाता है और वो नीचे गिर जाता है। डोंगजू से खड़ा उठाती है। तभी वो क्लाइंट वोमेन वहाँ पर आती है। डोंगजू उस औरत से माफ़ी मांगती है। फिर वो क्लाइंट वोमेन अपने बच्चे को वहाँ से ले आती है। इसके बाद दिखता है कि वो औरत अपने बच्चे से कहने लगती है कि उसका हाथ मत छुआ करो। वो डेड बॉडीज़ को छूती है और वो अपने बच्चे का हाथ साफ करने लगती है। वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मरे हुए लोग गंदे होते हैं। तभी वहाँ पर ताइमी भी आता है। वो औरत कहती है हाँ। ताइमी ये सब सुन रहा होता है। वो औरत उस गुलदस्ते को कूड़े में फेंक देती है। ताइमी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उस औरत ने उस गुलदस्ते को कूड़े में फेंक दिया। फिर ताइमी उस औरत को
वो पिज्ज़ा देता है जो उसने ऑर्डर किया था, और साथ में वो गुलदस्ते को पिज्ज़ा के ऊपर रख देता है जो उस औरत ने कूड़े में फेंका था। वो औरत ये देखकर हैरान होती। वो बच्चा कहने लगता है कि ये चीज़ गंदी है। उसकी माँ उसका बहुत मन करती है। फिर वो बच्चा अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा से आकर कहता है कि दादी गंदी है ना। वो औरत बहुत घबरा जाती है। उस बच्चे का डैड पूछता है कि ये तुमसे किसने कहा। वो बच्चा बताता है कि ये माँ ने कहा कि दादी गंदी है, क्योंकि वो मर चुकी है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं। फिर वो औरत भी अपने बच्चे के पास जाती है। तभी तैमी वहाँ पर देखता है कि डोंगजू वहाँ पर खड़ी है और वो ये सब सुन लेती है। डोंगजू उस औरत को देख रही होती है। फिर तैमी डोंगजू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। डोंगजू वहाँ से दूर चले जाती है। दूर जाकर डोंगजू अकेले में बैठी हुई होती है और वो सोचने लगती है उस औरत के बारे में कि वो जब भी उसका हाथ पकड़ रही थी तब वो औरत डोंगजू के हाथों को छूने से बच रही थी। डोंगजू फिर रोने लगती है। डोंगजू रात को जब बाहर आती है तभी वो दिखती है तैमी उसका इंतजार कर रहा है। तैमी डोंगजू से साथ में कुछ खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन डोंगजू कहती है कि उसे अकेले जाना है। वो जाने से मना कर देती है। तभी तैमी उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करेगा, चलो साथ घर चलते हैं। फिर वो डोंगजू को हेलमेट पहनाता है और स्कूटी पर बैठता है और वो डोंगजू को कसकर पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन डोंगजू सिर्फ शर्ट को पकड़ रही थी। फिर वो डोंगजू का हाथ पकड़कर उसे अपने चारों ओर लपेट देता है और वो बाइक को चलाने लगता है। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। तैमी डोंगजू के हाथों की तारीफ करता है। इसके बाद सुबह होती है। डोंगजू की जब आंखें खुलती है तभी वो देखती है कि वो तैमी के साथ सो रखी है। वो ये देखकर हैरान होती है। तैमी की आंखें खुलती है और वो भी डोंगजू को देखकर हैरान होता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।